जाता है फिर भी नहीं आता यार मीडिया के वास्ते जाते जाते क्यों आएंगे नहीं जाएंगे वाला मीडिया के वास्ते था ना हाँ ये वो बोलो बैठ जाओ घंटा दो घंटा सब अखबार भी रहते थे सब पढ़ो मेरी आवाज तो नहीं आ रही ना उसमें अपन म्यूट कर देंगे कोई बात नहीं था गाली भी आ गई है दिया नहीं मैंने और कॉरपोरेशन भी आए लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि हम लोग दो घंटा यहाँ पर बैठे लेकिन शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर शहर के दौरे पर है ऐसा हमको बोला जा रहा है और राजू खैरनार साहब वो यहाँ पर दो मर्तबा आए और वो ये बात बोल रहे हैं कि पांच लोग अंदर चलिए हम बात करेंगे हम ये चाहते हैं कि सब लोगों के सामने बातचीत हो और कोई ना कोई रास्ता निकले हम कोई लड़ाई झगड़ा या आंदोलन करने के लिए नहीं बैठे जब हम यहां पर आए तो गेट के ऊपर रोक दिया गया गार्ड के जरिए तो इसके लिए हम लोग यहां वेटिंग में बैठे लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि कमिश्नर साहब को शायद गरीबों से छोटा मोटा व्यापार करने वालों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है असल में उनका बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्टर लोगों से बात करने में इंटरेस्ट होता है बड़े बड़े 50 करोड़ 20 करोड़ 50 100 करोड़ 200 करोड़ बड़े बड़े टेंडर वालों से बात करने का इंटरेस्ट होता है गरीबों से बात करने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। बहरहाल आज हम आपके जरिए प्रशासन को कमिश्नर को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये शहर की आवाम ये शहर के छोटा मोटा व्यापार करने वालों की मदद कारपोरेशन करे अगर कारपोरेशन दो दिन के अंदर ये फैसला नहीं लेगी तो कमिश्नर साहब को मैं ये बताऊंगा कि मालेगांव शहर रेंज कितना बड़ा है शहर की पॉपुलेशन कितनी है और आप कारपोरेशन में कितना वक्त देते हो ये तमाम ही चीजें दो दिन के बाद मैं बताऊंगा और नहीं तो कारपोरेशन कमिश्नर साहब ने दो दिन के अंदर अंदर इन लोगों का हल निकालना चाहिए। आज मैं यही बात छोड़कर जा रहा हूं और दो दिन के बाद कमिश्नर वर्सेस शेख आसिफ होगा कमिश्नर वर्सेस छोटा मोटा व्यापार करने वाले होंगे कमिश्नर ने इस बात को नोन करना चाहिए और शहर का लैंड ऑर्डर अगर खराब होगा तो इसकी जिम्मेदार गोसावी कमिश्नर मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होंगे और जो बीड मुकादम जो घूमते हैं जो हराम का पैसा ढूंढते घूमते हैं गरीबों पर जुल्म करते हैं गरीबों को सताने का काम करते हैं और वो कैसे शहर के अंदर घूमते उसके बाद मैं दो दिन बाद वो भी मैं देखूंगा और लैंड ऑर्डर अगर खराब हुआ अतिक्रमण डिपार्टमेंट की तरफ से इसके जिम्मेदार कमिश्नर और अतिक्रमण डिपार्टमेंट और जो फील्ड पर घूमते वो रहेंगे ये बात की नोंद पुलिस डिपार्टमेंट ने भी लेना चाहिए और कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने लेना चाहिए। आज मुझे इतना ही बोलना है। साढ़े 11 बजे मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन में भंगार बाजार और खुदवाई रोड के तमाम ही हाकर्स छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वालों के साथ में हम लोग पुलिस स्टेशन गए और हमने वहां पर भी यही अपील की गुजारिश की कि भंगार बाजार खुदवाई रोड या छोटा मोटा व्यापार करने वाले जो हाकर्स हैं उन लोगों को सामने सबे बारात है रमजान महीना है ईद का बड़ा त्यौहार है इनकी भी रोजी रोटी चलना चाहिए इसके लिए भंगार बाजार वालों को 14 नंबर स्कूल के ग्राउंड के अंदर पर्यायी जगह दे दी जाए एक महीना डेढ़ महीने के लिए ताकि इनका रोजी रोटी चलते रहे और ईद के बाद दूसरी जमीन कई पर्यायी जगह हमेशा के लिए इंतजाम किया जाए ये बात हमने वहां पर भी कही। खुदवाई रोड के ऊपर जो रेडीमेड और छोटा मोटा धंधा व्यापार करते हैं जो बीच रास्ते में लगाते हैं जो भी शरायत कॉरपोरेशन या पुलिस डिपार्टमेंट लगाएगी एक ठेला लगना चाहिए खोकर नहीं लगना चाहिए ज्यादा अतिक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए तमाम ही शरायत का हम लोग पालन करेंगे और उनको वहीं पर धंधा व्यापार करने दें क्योंकि खुदवाई रोड के ऊपर ये जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं कपड़ा जूता चप्पल वगैरह बेचते हैं रमजान महीना आ रहा है तो
आवाम जो गरीब आवाम है सस्ता कपड़ा अच्छा कपड़ा मिलता है तो इनसे लेगी। तो इसके लिए उन लोगों को रमजान महीने के सामने रखते हुए शहर के लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इन लोगों को भी अतिक्रमण ना हो और कोई शरायत के मुताबिक इन लोगों को धंधा व्यापार करने दे। असल में ये दो डिमांड लेकर हम लोग सिटी पुलिस स्टेशन भी गए और कॉरपोरेशन भी आए, लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि हम लोग दो घंटा यहां पर बैठे लेकिन शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर शहर के दौरे पर है ऐसा हमको बोला जा रहा है, और राजू खैरनार साहब वो यहां पर दो मरतबा आए और वो ये बात बोल रहे हैं कि पांच लोग अंदर चलिए हम बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सब लोगों के सामने बातचीत हो और कोई ना कोई रास्ता निकले। हम कोई लड़ाई झगड़ा या आंदोलन करने के लिए नहीं बैठे। जब हम यहां पर आए तो गेट के ऊपर रोक दिया गया गार्ड के जरिए, तो इसके लिए हम लोग यहां वेटिंग में बैठे। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि कमिश्नर साहब को शायद गरीबों से छोटा मोटा व्यापार करने वालों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। असल में उनका बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट